तो क्या बीमारी है वो हाथ में आ चुका है। बीमारी ये है, फाइनली काम खत्म हो चुका है मेरा गाड़ी का। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल गया कारखाना से, मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया और टाइम हो रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मॉर्निंग व्लॉग। सो दोस्तों बात ये हो गया, दो दिन मैंने वीडियो नहीं दिया दोस्तों। एक्चुअली बात ये हुआ, सैटरडे को मैं आया था काम के लिए, लेकिन सारा दिन बैठते कुछ भी काम नहीं हुआ और हर टाइम एक ही वीडियो देना, कुछ दिखा नहीं पाता दोस्तों। आज काम नहीं मिला, आज भी खाली आप घर लौटना पड़ा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों इसी वजह से। और कल था संडे, तो संडे का दिन में मुझे निकलने का मन तो था दोस्तों, लेकिन निकला नहीं बाहर। कोई बात है, इतना ही था। दो दिन मैं वीडियो डाल नहीं पाया दोस्तों, आई एम सो सॉरी, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो आज क्या हुआ दोस्तों, सुबह नहीं 11:30 हो रहा है टाइम, तो 11 बजे एक कॉल आया, 11 बजे का पहले। तो मैं गया था, सो मैंने बोला थोड़ा रुकने के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है जल्दी आइए। सो मैं गया पार्किंग के अंदर गाड़ी को, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि गाड़ी पिकअप नहीं ले पा रहा है, मतलब गाड़ी का पिकअप काम नहीं कर रहा है, एक्सीलेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक्सीलेटर काम नहीं कर रही, फिर काम हो जाएगा, तो मैंने स्टार्ट ऑफ किया, फिर से मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद में वो जो इंजन का जो साइन है वो ऑन हो गया और पिकअप उस टाइम में थोड़ा ले रहा था। तो मैं घर से निकल के आ गया, मैं जब IGP पहुंचा तब फिर से मेरा गाड़ी चल रहा था दोस्तों, लेकिन अचानक क्या हो गया, गाड़ी फिर से एक्सीलेटर लेना, मतलब एक्सीलेटर मैंने जब दिया है तो एक्सीलेटर कुछ काम नहीं कर रहा है। सो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट अनुपदा को फ़ोन लगाया, अनुपदा काम, तो अनुपदा ने बोला खाली है अभी कारखाना, तो आ जाओ अभी, कोई भी नहीं है। सो डायरेक्ट मैं चला आया दोस्तों, गाड़ी मैंने यहाँ पे रख दिया, आप लोगों ने देखा ही है, अनुपदा अंदर में बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा रुकने के लिए मैंने बोला है कि वीडियो पहले ले लेता हूँ, फिर देखेंगे अनुपदा क्या प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि शायद मेरा एक्सीलेटर पेडल जो है दोस्तों वो ख़राब हो चुका है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। ज़्यादा दिन नहीं हुआ मैंने एक्सीलेटर पेडल जो है वो चेंज किया है, तो क्या होता है देखते हैं दोस्तों, अभी वेट करना पड़ेगा, तो देखते हैं अनुपदा को देखने देते हैं। बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों एक्चुअली, या तो वायरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर SN बॉक्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक्सीलेटर का, मुझे तो लग रहा है एक्सीलेटर का प्रॉब्लम है। तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पहले पकड़ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी में। A few moments later. तो दोस्तों क्या बीमारी है वो हाथ में आ चुका है, बीमारी ये है, ये जो एक्सीलेटर पेडल है वो ख़राब हो चुका है, मैंने बोला ही था दोस्तों, बस यही है ख़राब, यही हो गया है। सो मैंने ऑर्डर तो दे दिया है, वो आ रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बड़ा बाजार से आ रहा है, तो नया एक्सीलेटर पेडल का ऑर्डर दे दिया है, एक्सीलेटर पेडल आएगा फिर, और क्या है वही है दोस्तों, अभी वेट करना पड़ेगा एक्सीलेटर पेडल के लिए। ये मेरा गाड़ी का एक्सीलेटर पेडल है, ये कुछ ऐसा होता है, सो ये किया है, बस इसी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अनुप भैया जितना बोल रहे हैं कि इसी का प्रॉब्लम है, बाकी का पता नहीं, बस वही है दोस्तों। तो वेट करते हैं जब तक आता है, आने के बाद में लगा के फिर निकलना पड़ेगा मुझे, टाइम तो थोड़ा लग जाएगा, तो वेट करते हैं दोस्तों आने तक, गाड़ी तो यहाँ पे रहेगा। A little longer than a few minutes later. So दोस्तों फाइनली एक्सीलेटर पेडल आ चुका है और लगाना भी हो गया। अभी जाऊंगा एक अनुपदा को लेके जाऊंगा, एक राउंड मार के आऊंगा पूरा आगे से आईसी वहाँ से, तो देखूंगा और ये सिग्नल आता है कि नहीं, अगर आएगा तो फिर से देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हो चुका है, फिटिंग भी हो चुका है, खाली जस्ट अभी टेस्ट करना है बाकी है, तो टेस्ट कर लूँगा अभी फटाफट, और टेस्ट करने के बाद में अगर हो गया तो निकल जाऊंगा दोस्तों। टाइम हो रहा है, बहुत टाइम लग गया दोस्तों, 3:12, तो देखते हैं उन लोग तो थोड़ा वहाँ पे गए हैं थोड़ा क्या सामान लेने के लिए, वो सामान लेके आएंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे, चक्कर मारेंगे और फिर यहाँ पे आके रुकेंगे, मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद चक्कर मारने के बाद। सो दोस्तों फाइनली काम ख़त्म हो चुका है मेरा गाड़ी का, वहाँ से आने के बाद में और कुछ काम था वो भी मैंने करवा लिया है दोस्तों। सो फाइनली काम ख़त्म, और एक गाड़ी आके घुस भी गया है, तो हमें भैया चले गए, तो वो गाड़ी का छोटा मोटा एक काम है, वो काम ख़त्म होगा, मैं निकल जाऊँगा दोस्तों। टाइम हो रहा है दोस्तों 4:30,
छोटा काम है उसका, खत्म होने के बाद ही निकल जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी। बस उसका डोर का जो हैंडल है वही लगाना है, मतलब इससे खोलता है ये वाला चीज, ये वाला वो लगाना है। उसके बाद में लगाने के बाद में निकल जाऊँगा दोस्तों, निकलते हैं थोड़ी देर बाद में। A few inches later. So, दोस्तों फाइनली मैं निकल गया कारखाना से, जा रहा हूँ डायरेक्ट। सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन जाके बैठूँ दोस्तों, जी एस रूट जाके तो कोई फायदा है ही नहीं, इसी वजह से सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन जाके बैठूँ, वहाँ पे अच्छा होगा। भाई गाड़ी पूरा ओके है, ना ये सिग्नल आ रहा है ना कुछ, गाड़ी टोटली बन चुका है। कोई बहुत ही खुशी का बात है मेरे लिए दोस्तों, गाड़ी जब ओके रहता है मैं बहुत ही खुश रहता हूँ, क्योंकि जब मैं खुश हूँ तो मेरा गाड़ी भी खुश होना चाहिए। घर में कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए मेरा हिसाब से, और सभी को ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप इससे प्यार करते हैं तो वो भी आपको जरूर प्यार करेगा दोस्तों। वही बात है दोस्तों, निकल तो गया हूँ अभी, डायरेक्ट जा रहा हूँ ऑकलैंड में। चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट ऑकलैंड, ऑकलैंड जाके बात करते हैं। वैसे तो ऑकलैंड जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा निकलने में थोड़ा टाइम लग गया है। अभी थोड़ी देर में ऑफिस में छुट्टी हो जाएगा, तो ऑफिस छुट्टी होने के बाद में और ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम लगेगा। आज का पूरा दिन मेरा यही पे खत्म हो गया, वही बात है। चले चलते दोस्तों डायरेक्ट गोकुलन में, गोकुलन जाके बात करते हैं। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया, और टाइम हो रहा है 5:08, तो जस्ट अभी पहुंचा हूँ। थोड़ा ट्रैफिक जम मिल गया था दोस्तों आने में, इसलिए टाइम लग गया, वही बात है, क्योंकि ऑफिस छुट्टी हो गया था दोस्तों। मैंने बोला ही था क्योंकि ऑफिस छुट्टी होने से थोड़ा बहुत ट्रैफिक जम होता ही है दोस्तों। तो अब वेट करते हैं, जस्ट अभी भी पहुंचा हुआ, और पहुंचने के साथ साथ यहाँ पे पार्किंग मिल चुका है, और दोस्त लोग मैं देख सकता हूँ यहाँ से, दोस्त लोग वहाँ पे है, वहाँ पे 3 गाड़ी है, वो लोग तो बहुत पहले से रुके हुए है दोस्तों। तो मुझे और कुछ मुझे नहीं लगता कि आज काम हो पाएगा, बस मेरा कार गाड़ी का काम हो गया दोस्तों, मैं पूरा शांति हो गया, क्योंकि मेरा गाड़ी बन चुका है वही, क्योंकि ये अगर ठीक नहीं होता दोस्तों तो मैं भी ठीक नहीं रहता था, ये ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। वही बात है, आज का काम तो हो चुका है गाड़ी का, और अभी आने का टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ। सो वही बात है दोस्तों, तो वेट करते देखते और काम कुछ मिल पाता है या फिर नहीं, वो भी बात है, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। Little longer than a few minutes later. So दोस्तों फाइनली मैं चला आया अपने घर, और मैं बहुत टाइम तक बैठा दोस्तों, 5 से लेके 8 तक। दोस्त लोग सभी वहाँ पे थे, तो दोनों ने बोला कि कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम था कुछ होगा नहीं, तब भी मैंने उनको रुका के रखा दोस्तों। उन लोग को निकल जाने का मन था, लेकिन मैंने उनको बोला थोड़ा बैठते हैं, शायद कुछ आ जाए, लेकिन मुझे मालूम था कुछ नहीं आएगा। लेकिन उन लोग का भी 3 दोस्त में से एक का काम हुआ है, और बाकी 2 का नहीं हुआ, और मेरा भी नहीं, मेरा तो गाड़ी बनाने में पूरा दिन ही ख़त्म हो गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलता है। सभी मुझे देख के सभी बहुत ही खुश है। तो काम तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों, सो बस गाड़ी बनाना हो गया, वही मन को शांति है। तो अभी भी जब मैं आया हूँ तो गाड़ी पूरा ओके था, पिकअप भी अच्छे से ले रहा था, और बहुत अच्छा पिकअप भी है, क्योंकि नया एक्सीलेटर पेडल है दोस्तों, इसी वजह से। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। सो आज के लिए ब्लॉग बस इतना है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।